प्यार साथियों, देखिए हम अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं रिलेशन, जो कि 11th और 12th क्लास के लिए है। इसमें हम एक वीडियो अपनी कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने बात करी थी सर आपका रिलेशन के बारे में, ठीक है। तो उसमें काफ़ी आगे तक हम आ चुके थे जहाँ पर हमने बात कर ली थी सर रिलेशन की, ठीक है। साथ ही साथ फिर हमने जो आपका इन्वर्स रिलेशन है उस पर अपना टॉपिक ख़त्म किया था। आज हम सर शुरू करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है सर। तो सबसे पहले आप हमें आप पढ़ने वाले हैं आपका जो पहला टाइप, फर्स्ट टाइप इज अ वॉइड रिलेशन। वॉइड रिलेशन, अब वो बच्चे जिन्होंने पहले सेट इस हमारे यहाँ से पढ़ा हुआ है वीडियो से, तो वॉइड को हमने वॉइड और कहाँ पढ़ा था, हमने सेट में वॉइड पढ़ा था, वॉइड सेट। तो उसके और बाकी क्या नाम है वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा सर हमें। चलिए, वॉइड रिलेशन क्या होता है, किस प्रकार से होता है। मान लीजिए हम एक सेट ले लेते हैं, अपने तरफ से एक सेट कंसिडर कर लेते हैं। लेट ए, कैपिटल ए बी एनी सेट, ठीक है। हमने ए जो है अपनी तरफ से एक सेट कंसिडर कर लिया है। अब इस ए में हम एक रिलेशन डिफाइन करते हैं, ए से ए में। तो हम यहाँ पर ए क्रॉस ए लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इस ए क्रॉस ए का जो एलिमेंट है, मान लीजिए कि इसका सबसेट आ जाए फाई आपका, ठीक है। यानी कि इस रिलेशन में कोई भी आपका एलिमेंट ना हो, तो मतलब कहने का ये है, इस लाइन का अगर मोटा मोटा मतलब बताऊँ आपको, एक थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करूँ, तो एनी एलिमेंट ऑफ ए, या फिर ऐसे बोलिए नो एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब कि इसका मतलब ये है नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। तो एक छोटी सी इसका डेफिनेशन हो सकती है, ठीक है। और ये आपका सेट, हम ये रिलेशन किस में लिख रहे हैं, हमने रिलेशन लिखा है सर ए में, इस सेट ए पर हमने रिलेशन लिखा है। और इस रिलेशन के अंदर आपका हमारा कोई एलिमेंट है ही नहीं, इसका मतलब ये रिलेशन में आपका फाई है, ठीक है। इसका ये रिलेशन हमारा क्या है, फाई है, ठीक है। तो फाई है तो इसका मतलब वर्ड रिलेशन है, इसके अंदर हमारा कोई भी एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है। चलिए अब इसको एक बार नोट कर लीजिए, इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, तो हमारा वर्ल्ड रिलेशन यहाँ पर हो गया। अब हम इसके सेकंड टाइप की तरफ चलते हैं। सेकंड टाइप हमने थोड़ा सा इस लास्ट क्लास में भी थोड़ा बताया था आपको यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में, तो अभी हम यूनिवर्सल रिलेशन की यहाँ पर बात करने वाले हैं सर। तो यूनिवर्सल रिलेशन किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए कुछ इस तरीके से। सेकेंड टाइप हमारा पेन लेते हैं, सेकेंड टाइप है हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। चलिए सर, अब यहाँ पर हम यूनिवर्सल की बात करने वाले हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। इससे पहले जो हमने लिखा था वॉइड रिलेशन, उसकी अगर हिंदी मीनिंग की बात करें तो वो आपको बनेगा रिक्त संबंध। और यहाँ पर आपका जब ये यूनिवर्सल रिलेशन की बात कर रहे हैं सर हम, तो ये आपका है सार्वत्रिक संबंध, ठीक है। चलिए अब, या फिर समिष्ट संबंध ये बोल सकते हैं। और यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, हमने पहले ही बात कर ली सर। मान लीजिए कोई सेट ए है, हम जिस पर डिफाइन कर रहे हैं, लेट कैपिटल ए बी एनी सेट, ठीक है। हमने ए को सेट मान लिया है। अब हम ए से ए में को रिलेशन देख रहे हैं, हमने ए से ए में को रिलेशन लिखा, ठीक है। और वो सबसेट हो गया ए क्रॉस ए का ही, ए क्रॉस ए का खुद का सबसेट हो गया। मतलब कहने का ये है, हमने जो रिलेशन लिखा वो इक्वल टू आ गया ए क्रॉस ए के, ये भी कह सकते हैं सर। इसका दूसरा मीनिंग ये है, हमने जो रिलेशन लिखा वो इक्वल टू आ गया किसके, ए क्रॉस ए के। जो आपके ऑर्डर पेयर आएंगे सारे ए क्रॉस ए को करने पर, अगर वही हमारा रिलेशन हो जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि सर वो रिलेशन आपका क्या होगा सर, यूनिवर्सल रिलेशन होगा। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ से कुछ इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है कि एवरी, या फिर ईच एलिमेंट ऑफ ए, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। यानी ए का हर एलिमेंट जब खुद ए से ही क्या हो, रिलेट कर रहा हो, तो फिर आपका हो जाएगा। सब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे सर, यहीं पर हम इतनी सी जगह में यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाएंगे आपको। मान लीजिए कि भाई हमारे पास एक सेट है, मान लो छोटा सा सेट है, कोई है 1, 2, इस सेट पर हम एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं और ए क्रॉस ए निकाल रहे हैं सर हमारा,
तो एक रो से का मतलब क्या है कि हमारा ए और ए यहाँ पर होना चाहिए, ये ए और ये ए, और इसमें हम एक रिलेशन लगा रहे हैं आर, ठीक है, हमारे सारे एलिमेंट यहाँ पर है 1 2, यहाँ भी 1 2, तो अब इस ए का हर एलिमेंट ए से रिलेट कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा सर, यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि एक रो से लिखोगे तब भी आपका 1,1 और 1,2 आएगा, और फिर 2,1 और 2,2 आएगा, और अगर आप वो उसी को हम रिलेशन मान लें तो वही हमारा यूनिवर्सल रिलेशन कहा जाएगा, बस सिंपल सी बात ये है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यूनिवर्सल रिलेशन आपको बिल्कुल क्लियरली ही समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम छोटा सा एक एग्जांपल लेंगे ताकि आपको क्लियरली समझ में आए और भी अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है, एक एग्जांपल लेंगे, तो प्लीज़ इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, तो कुछ इस प्रकार से हमने दो ये सेट देखे, वर्ड रिलेशन और आपका यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। अब इन दोनों रिलेशन पर हम एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, देखिए एग्जांपल्स की सहायता से हम चलेंगे समझते हुए ताकि आपको चीज़ें क्लियरली समझ में आती रहें, ठीक है। हालांकि इनका यूज हमें कैसे करना है वो तो एक बड़ी बात हो जाएगी, उसके बारे में तो हम डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से हमें जो है यहाँ पर चीज़ों को समझना है। देखिए, तो हम यहाँ का छोटा सा, मैं एक यहाँ से एनसीईआरटी का एग्जांपल उठा रहा हूँ सर, मेरे पास बुक है, तो यहाँ पर एक एनसीईआरटी में एग्जांपल है, क्या है एग्जांपल, ये कह रहा है कि भाई ए कोई सेट है हमारा, ए कोई हमारा सेट है कुछ तरीके से कि सेट ऑफ ऑल बॉयज, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज स्कूल, मतलब कि उस स्कूल में लड़कियां नहीं पढ़ती हैं, केवल बॉयज स्कूल है कोई जिसमें बॉयज पढ़ते हैं केवल, और उसका एक सेट है आपके सामने कुछ प्रकार से है, ठीक है। अब पहला, अब उसने इसमें पहला रिलेशन डिफाइन कर दिया सर हमारे सामने कुछ तरीके से, बोल रहा है कि भैया रिलेशन कुछ इस प्रकार से है, पहला रिलेशन आपका आर कि होगा आपका ए कॉमा बी, ठीक है, रिलेशन में आपका जो ऑर्डर पेयर रहेगा वो रहेगा ए कॉमा बी कुछ इस तरीके से, सच दैट। अब उसने ए और बी का में क्या संबंध दिया है उसकी बात करते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है हमारा ये ए बी अगर लिख रहे हैं तो मतलब ए रिलेटेड टू बी होना चाहिए, तो किस प्रकार रिलेट करेगा वो देखिए। उसने बोला कि ए इज अ सिस्टर ऑफ बी, उसने बोला कि ए इज अ सिस्टर ऑफ बी। चलिए इसका सेकंड पार्ट पर बाद में चलेंगे, पहले थोड़ा इसी पर डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए, आप मुझे बताइए सर क्लियरली, अब ए कॉमा बी हम कोई ऐसा रिलेशन ले रहे हैं इस सेट में से कि भैया ए जो है वो बी का, सॉरी स्मॉल बी, कि जो ए है वो बी की सिस्टर है, ए इज अ सिस्टर ऑफ बी। अब आप मुझे बताइए कि जब इस स्कूल में सिर्फ बॉयज पढ़ते हैं तो क्या किसी भाई की बहन उसमें पढ़ सकती है, बिल्कुल नहीं पढ़ सकती भाई, ब्रदर सिस्टर उस स्कूल में पढ़ ही नहीं सकते एक साथ, क्योंकि वो तो बॉयज स्कूल है केवल, उसमें लड़कियां नहीं पढ़ेंगी। तो मतलब कहने का यह है कि ये रिलेशन इस पर, इस ए पर नहीं लगाया जा सकता। कहने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर रिलेशन लिखने की कोशिश करोगे तो भैया जो रिलेशन है आपका, ये आपका इक्वल टू आ जाएगा फाई के, सिंपल, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट आएगा ही नहीं, कोई भी ऐसा लड़का होगा ही नहीं जिसकी बहन वहाँ पढ़ रही हो, क्योंकि बॉयज स्कूल है, सिंपल सी बात है कि, तो ये तो नहीं हो सकता भैया कि ए जो है बी के सिस्टर हो जाए, कोई और हो जाए तो बात अलग है। तो ये समझिए आप, ये है आपका वॉइड रिलेशन, इसको ही हम बोलते हैं वॉइड रिलेशन, ठीक है। अब दूसरी तरफ चलते हैं जरा, एक और एग्जांपल, इसका सेकंड पार्ट एक और है, उसमें देखिए किस तरीके से आपके सामने उसने बोला है कि भैया आर डैश एक रिलेशन इस प्रकार है कि ए कॉमा बी, ठीक है, सच दैट क्या कह रहा है वो, ये कह रहा है कि भैया द डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 meters, the difference between heights of A and B is less than 3 meters, is less than 3 meters। चलिए, तो क्लियर है हमें ये चीज़, ये छोटी चीज़ हमें क्लियर है। उसने बोला कि भैया ए और बी हमारे क्या है, कुछ प्रकार से है हमारा जो रिलेशन है ए और बी में, कि जो आपका ए और बी की जो हाइट का डिफरेंस है, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन हाइट्स
ए एंड बी, हाइट्स ऑफ ए एंड बी, हाइट्स ऑफ ए एंड बी, यहाँ पर हम सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ठीक है, हाइट्स ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर। सिंपल सी बात है, आप बताओ मुझे कोई भी ऐसे दो लड़के ले लो आप, ठीक है, पहले तो मैं कह रहा हूँ कि कोई एक लड़का, एक लड़के के बड़े मुश्किल से ऐसा मिल जाएगा किसी की हाइट 3 मीटर हो ही नहीं सकता ये। ऊपर से आप दो लड़के ले रहे हो, ठीक है, और उनकी हाइट का जो डिफरेंस है, ठीक है, उनकी हाइट का जो अंतर है वो 3 मीटर से कम है, बिल्कुल होगा। मान लो कोई लड़का अगर 5 फुट का है और कोई 4 फुट का है, तो उनका अंतर तो बस 1 ही फुट है, और आप कह रहे हो 3 मीटर होगा, 3 मीटर से कम होगा, तो बिल्कुल 3 मीटर से कम होगा। तो ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा भैया स्कूल में, कोई भी आप दो बच्चे नहीं उठा सकते कि जिनका आप हाइट का डिफरेंस करो और वो 3 मीटर से ज़्यादा हो जाए, मतलब 3 मीटर से कम ही आएंगे सारे के सारे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे जो रिलेशन लिखोगे सर, वो तो खुद ही आ जाएगा, खुद रिलेशन, पूरा का पूरा रिलेशन आ जाएगा, तो वो तुम्हारा यूनिवर्सल रिलेशन हो गया एक प्रकार से। चलिए, ठीक है, तो क्लियरली हमें पता है कि ये रिलेशन होगा आपका, जो हमारा रिलेशन जो लिखा जाएगा वो क्लियरली आपका किसके इक्वल हो जाएगा, वो आपका ए क्रॉस ए के इक्वल हो जाएगा। सिंपल, अगर ए क्रॉस ए के इक्वल हो गया तो इसका मतलब भैया कौन सा रिलेशन है, यूनिवर्सल रिलेशन है। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये जो एग्जांपल है इसके थ्रू हमने वर्ड रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन को समझ लिया होगा कि किस तरीके से हम यहाँ पर वर्ड रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन की बात करने वाले हैं आगे जाके सवालों में। तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं, अभी इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आपसे आगे बढ़ते हैं। फिर चलिए सर, तो चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। हमने इस एनसीईआरटी एग्जांपल के साथ हमने दो चीज़ों को समझ लिया है कि भैया वर्ड रिलेशन क्या है और हमारा यूनिवर्सल रिलेशन किस तरीके से हम समझ सकते हैं। अब सर यहाँ पर हम बात करने वाले हैं तीसरा टाइप, थर्ड टाइप आपका, विच इज़ आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। भैया ये क्या है जी आइडेंटिटी रिलेशन? देखिए सिंपल सी बात है सर, यहाँ पर आपका मान लीजिए कोई एक एक आपका सेट है, लेट ए बी एनी सेट, ठीक है, अब आप इसमें कोई रिलेशन लिख रहे हैं आई ए, मान लेते हैं कि आई ए आपका रिलेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन ए, ठीक है, इसका मतलब है आइडेंटिटी रिलेशन इन ए। वो कुछ इस प्रकार से है कि भैया ए कोमा ए ही आपका इसमें होना चाहिए रिलेशन में, ए कोमा ए आपका रिलेशन में होना चाहिए, सच दैट आपका फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ए के हर एलिमेंट के लिए, फॉर ऑल का साइन ऐसा ही है, इसको हम बोलते हैं फॉर ऑल, फॉर ऑल मतलब सभी के लिए, मतलब ए के हर एलिमेंट के लिए, इस कैपिटल ए के हर एलिमेंट के लिए इस रिलेशन के अंदर ए कोमा ए होना चाहिए। अब एग्जाम्पल समझिए, तो इसको हम बोलते हैं इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन इन ए, चलिए अब ये तो आपका आइडेंटिटी रिलेशन हो गया, लेकिन समझते हैं एग्जांपल से, ठीक है, एग्जांपल क्या कहता है, किस प्रकार से हमें जो है चीज़ों को समझाएगा। देखिए छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूँ अपनी तरफ से, मान लीजिए कि भैया हमारे पास एक सेट है ए, उसमें कुछ प्रकार से 1, 2 ये एलिमेंट है, 1, 2 ये एलिमेंट है। अब इस पर अगर मैं कोई आइडेंटिटी रिलेशन लिख रहा हूँ आई ए, तो भैया इसके अंदर जो है आपका सेट क्या आ सकता है, मतलब किस प्रकार से आइडेंटिटी रिलेशन बनेगा, कि 1, 1 होना चाहिए और 2, 2 होना चाहिए, बस इसके अलावा कोई एलिमेंट होना नहीं चाहिए। मतलब कहने का ये है कि अगर मैं इस चीज़ को इस तरीके से आपका बना के बताऊं, तो यहाँ पर आपका जब ए से ए में रिलेशन लेगा 1, 2, 1, 2, तो ए का ए से रिलेशन होना चाहिए, 2 का 2 के से रिलेशन होना चाहिए। यहाँ पर इस तरीके से नहीं हो सकता कि भैया 1 का 2 से हो जाए और 2 का 1 से हो जाए, तो फिर अगर ऐसा हुआ तो भैया ये तो आपका आइडेंटिटी रिलेशन है, लेकिन सपोज करो कि कोई आपका रिलेशन इस प्रकार से बन जाए कि जहाँ पर आपका आ रहा है 1, 1, ठीक है, 2, 2 भी आ रहा है और एक और आ जाए कि भैया 1, 2 एक 1, 2 भी किसी प्रकार से रिलेट कर गया, तो भैया ये बिल्कुल भी आपका आइडेंटिटी रिलेशन में नहीं आ सकता, आइडेंटिटी रिलेशन में नहीं आ सकता ये चीज़, ठीक है, ये चीज़ आपके आइडेंटिटी रिलेशन के इक्वल भी नहीं हो सकती, और यहाँ से एलिमेंट इसके इक्वल भी नहीं होगा, या फिर ये कह सकते हैं हम बिलोंग करना लिखना तो गलत है, ये इसके इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है, और इसमें आप ये दिखा सकते हो कि भैया 1, 2 जो है आपका बिल्कुल भी बिलोंग नहीं कर सकता आइडेंटिटी रिलेशन इन ए में, ठीक है, आपका क्या क्या बिलोंग कर सकता है, सिर्फ 1, 1 एंड 2, 2, अगर 3 होता तो 3, 3 होता, बस वहीं पर रुक जाता, उससे ज़्यादा आगे नहीं जाता, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आइडेंटिटी रिलेशन में समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट टाइप की तरह, जब तक उसको नोट करिए।
चलिए सर, अब कुछ इस प्रकार से हम बढ़ते हैं अपने फोर्थ टाइप की तरफ, जो कि है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या है सर? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सर रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। ये हमारा है फोर्थ टाइप, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब देखिए भैया, ये क्या होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन? देखिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखने की कोशिश करूँ यहाँ पर, ठीक है, अ रिलेशन आर, ऐसे लिखिए, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए। मान लेते हैं कोई सेट ए पर एक रिलेशन हमने लगाया है भैया। अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव। ठीक है, क्योंकि एक रिलेशन आपका ए पर लिखा गया है और वो रिफ्लेक्सिव तब कहा जाएगा, कब? जब आपका ए रिलेटेड टू ए आए उसके अंदर। पहली बात तो भैया, ए से रिलेट करना चाहिए, ठीक है, किसके लिए? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, तब आपका वो क्या कहा जाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहा जाएगा। अगर मान लीजिए कि फॉर एनी, ठीक है, ए बिलोंग्स टू ए, किसी भी एक ए के लिए जो कि ए से बिलोंग करता है, और आपका ए रिलेट नहीं कर रहा है ए से, ठीक है, मान लो ए का कोई एक एलिमेंट वैसा बचा हुआ है जिसका भैया उसमें ए कोमा ए है नहीं, तो उसका मतलब वो आपका सिमेट्रिक, वो आपका रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। फॉर एनी ए बिलोंग्स टू ए, इफ ए डज नॉट रिलेट टू ए, then it is not reflexive. ठीक है, फिर आपका रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। बस ये छोटी सी बात आप क्लियर कर लीजिए। अब किस तरीके से देखिए समझेंगे इस चीज़ को, अब फिर से हम एक एग्जांपल लेंगे और उस एग्जांपल की सहायता से यहाँ पर जो चीज़ों को समझेंगे। मान लीजिए अगेन हमारे सामने एक एग्जांपल है भैया, कुछ इस तरीके से एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने एक सेट ले लिया है ए, ठीक है, और हमारे पास इसमें एलिमेंट्स हैं आपके 1, 2, 3, ठीक है, और हमने एक रिलेशन लिखा है कुछ इस प्रकार से कि भैया एक तो ये लिख दिया 1, 2, 3, ठीक है, और एक और रिलेशन लिखा है हमने इस प्रकार से कि 1, 2, 3, और आपका 3, 2, और इसमें 1, 2 भी है, एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए सर, ये दोनों ही रिलेशन, क्योंकि आपको देखो फॉर एनी, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, देखिए ए के हर एलिमेंट के लिए क्या इसके अंदर ए रिलेटेड टू ए है? क्या ए से रिलेट कर रहा है? क्या एक से रिलेट कर रहा है? क्या दो से रिलेट कर रहा है? क्या तीन से रिलेट कर रहा है? भैया यही तो कहना चाहता है ये कि फॉर ऑल जो आपके ए के जो एलिमेंट्स हैं, अगर उसमें मैं रिलेशन लिखूं, तो उसमें अगर वो एलिमेंट है 1, 2, 3, तो आपका ए से रिलेट करना चाहिए, बी से रिलेट करना चाहिए, सी से रिलेट करना चाहिए। अगर आप कोई एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट ले रहे हो, फॉर ऑल का मतलब कोई भी एलिमेंट ले रहे हो ए का, तो उसके लिए वो खुद से रिलेट करना चाहिए। तो कर रहा है, एक से रिलेट कर रहा है, दो से कर रहा है, तीन से कर रहा है, तो उसका मतलब ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। ये रिलेशन कैसा है? हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। चलिए अब यहाँ पर हम बात करें कि भैया यहाँ पर देखिए क्या ये कुछ तरीके से 1, 2, 3 और ये आपका 3, 2, 1, 2 लिया है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? बिल्कुल रिफ्लेक्सिव है सर। यहाँ पर उसने बोला है कि आपका जो भी तीन एलिमेंट है उनके लिए भैया ये रिलेशन तो होना ही होना चाहिए, मतलब 1, 1 तो होना ही होना चाहिए, 2, 2 होना ही होना चाहिए, 3, 3 भी होना ही होना चाहिए, उसके अलावा 3, 2 हो जाए, 1, 2 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है वो भी, तो मतलब ये भी रिफ्लेक्सिव है और ये भी रिफ्लेक्सिव है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे हम इसको आइडेंटिटी रिलेशन तो कह सकते हैं, ये आइडेंटिटी रिलेशन भी है रिफ्लेक्सिव के साथ साथ, मगर यहाँ पर इसको अगर बात करूँ तो भैया ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर आपके कौन से दो एलिमेंट आ गए? जहाँ पर आपका 3, 2 भी आ गया और 1, 2 भी आ गया, मतलब डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट से क्या हो गया, मैप हो गया। यहाँ पर आइडेंटिटी रिलेशन में ये रूल फॉलो नहीं होता, मतलब ये कह सकते हैं कि जो हमारा हर आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो हमारा रिफ्लेक्सिव हो सकता है, मगर हमारा हर रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हो सकता। तो उसके लिए छोटे से नोट में एक लाइन लिखेंगे, जब तक इसको उतारिए फटाफट। चलिए सर, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे, छोटी सी लाइन लिखेंगे, इसी आपको इसी में नोट डाल के लिखना है।
छोटा सा नोट डालेंगे कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बट इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू, या फिर ऐसे बोल सकते हो, या फिर ऐसे बोल सकते हो बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट आइडेंटिटिकल, आइडेंटिकल इज नॉट आइडेंटिटी, ठीक है। ये बिल्कुल क्लियरली हमने समझ लिया, क्योंकि हमारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन में भैया वो तो होने ही होने चाहिए, वो तो कंपलसरी है, ठीक है। लेकिन मतलब 1.1, 2.2, 3.3 तो होना ही होना चाहिए, लेकिन उसके साथ कोई और भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं रिफ्लेक्सिव में। लेकिन भैया आइडेंटिटी नहीं बोलता ऐसे, आइडेंटिटी बोलता है जी भैया 1.1 है, 2.2 होना चाहिए, 3.3 बस खत्म, कहानी इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, तो आइडेंटिटी होगा नहीं तो नहीं होगा, तभी वो आइडेंटिकल होगा नहीं तो नहीं होगा, सिंपल सी बात है। अब इसके बाद आते हैं सर हमारे फिफ्थ टाइप पर आते हैं। आपका फिफ्थ टाइप क्या है भैया? सिमेट्रिक रिलेशन। फिफ्थ टाइप आपका है सिमेट्रिक रिलेशन। अब समझिए सर, सिमेट्रिक रिलेशन है सममित संबंध, और वो रिफ्लेक्सिव था तो स्वतुल्य बोलते हैं उसको, स्वतुल्य संबंध हिंदी में, और सिमेट्रिक को सममित बोलते हैं, सममित संबंध। चलिए सिमेट्रिक रिलेशन क्या है सर? अगेन यहाँ पर हम छोटी सी डेफिनेशन के माध्यम से समझेंगे कि भाई ए रिलेशन, या फिर कहिए अ रिलेशन, ठीक है, आर ऑन ए या फिर ऑन सेट ए इज सेट टू बी सिमेट्रिक इज सेट टू बी सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ, या फिर आई डबल एफ कह सकते हैं, आई डबल एफ का मतलब ये होता है इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि, मतलब यदि और केवल यदि ये सिचुएशन है तभी, मतलब बिल्कुल पक्की बात, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, आई डबल एफ भी बोल सकते हैं। इफ एंड ओनली इफ आपका ए रिलेट करता है बी से, ठीक है, तो इंप्लाइज दैट फिर आपका बी भी रिलेट करना चाहिए ए से, सिंपल, फॉर ऑल बिलोंग्स टू, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, ठीक है। या फिर कुछ तरीके से लिखते हैं कि अगर ए कॉमा बी आपका रिलेशन के अंदर बिलोंग कर रहा है तो इंप्लाइज दैट आपका बी कॉमा ए भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, मतलब आपके ए और बी दोनों ही कहाँ से होंगे सर? ए से होंगे, ठीक है। और तो ये छोटी सी डेफिनेशन थी हमारे सिमेट्रिक रिलेशन की, तो मुझे पूरा पता है कि आपको समझ आ गया होगा, मतलब कहने का ये है अगर उस रिलेशन के अंदर 1.2 है तो 2.1 भी होना चाहिए, 3.2 है तो 2.3 भी होना चाहिए, समझ मेरी बात नहीं आ रही है? 1.1 है तो 1.1 तो है ही, क्लियर। चलिए तो एक बार इसको जरा नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए सर अब हम बढ़ते हैं इसके सिक्स्थ टाइप की तरफ, और ये हमारा इस वीडियो का आज आखिरी टाइप है, इसके बाद हम इसी चैप्टर कंटिन्यू करेंगे थर्ड वीडियो में, ठीक है। देखिए हम थोड़ा टाइम लेंगे सर चीज़ों को करने में, लेकिन उनको करेंगे थोड़ा अच्छे तरीके से, ठीक है। उनकी डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं सर, ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम इनको मिस कर देंगे तो हमारा जो है रिदम बिगड़ जाएगा, आप सही से पढ़ नहीं पाओगे और कहीं ना कहीं आपको डिमोटिवेशन हो जाएगा इस चैप्टर को लेकर के, तो हम एक एक चीज़ को सही से कर रहे हैं, ठीक है। आपको कोई बुक देखने की जरूरत नहीं है, अगर आप यहाँ से सर इस वीडियो को देख करके अगर आप पढ़ रहे हैं सर रिलेशन, तो आपको कोई बुक उठाने की जरूरत नहीं है, ना आर एस ना आर डी, कोई मॉड्यूल उठाने की जरूरत नहीं है आपको, केवल आप इस वीडियो से जो है इनको नोट्स को तैयार कर लीजिएगा, और उसके बाद आपने क्वेश्चन लगाने बैठेंगे सर, आपका एक क्वेश्चन बचेगा नहीं, चाहे आप किसी बुक से क्वेश्चन लगाइए, फिर कोई दिक्कत नहीं है आपको, पर कॉन्सेप्ट एक हमें एक प्रकार से मतलब ऑर्डर्ड होकर मिल जाए ना अगर, तो फिर वो चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाती हैं उससे। चलिए तो ये काफ़ी
चीज़ों को हमें ध्यान में रख के चलना है आगे, ठीक है। चलिए, हमारा सिक्स टाइप क्या है सर? सिक्स टाइप आपका है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, इसको बोलते हैं सर हिंदी में संक्रामक संबंध। क्या बोलते हैं सर? संक्रामक संबंध, या फिर इसको इंग्लिश में आप बोलते हो ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, अब देखिए सर इसको किस प्रकार से हम थोड़ा डिफाइन करते हैं। यहां पर फिर से अगेन आपका अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेट टू बी ट्रांजिटिव। ठीक है, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेट टू बी ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव कहा जाएगा कब? इफ एंड ओनली इफ, आई डबल एफ, कब कहा जाएगा? अगर आपका यहां पर ए रिलेट करता है बी से और आपका बी रिलेट करता है किसी सी से, ठीक है, ए बी से रिलेट करता है और बी किसी सी से रिलेट करता है, तो इंप्लाइज दैट कि भैया ए जो होगा वो ऑटोमेटिकली सी से रिलेट करना चाहिए। ठीक है, फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू ए, या फिर चीज लिख सकते हैं अलग तरीके से कि अगर ए कोमा बी हमारा रिलेशन में है और बी कोमा सी आपका रिलेशन में है, ठीक है, तो इंप्लाइज दैट आपका ए कोमा बी के बीच में भैया रिलेशन, ए कोमा सी के बीच में रिलेशन हो गया। समझिए ना, जैसे कोई मेरा मेरे पापा संबंध है और मेरे पापा का मेरे दादा संबंध है, तो मेरा और मेरे दादा का संबंध भी तो हो गया ना आपस में, कोई ना कोई रिलेशन तो हो गया मेरे उनके बीच में। तो वही चीज है, ये भैया मैं और ये मेरे पापा, ठीक है, और ये मेरे पापा और मेरे दादा, तो भैया मेरा और मेरे दादा का भी तो रिलेशन हो जाएगा कुछ ना कुछ, सिंपल। तो वो चीज क्या है? ट्रांजिटिव बोलते हैं सर उसको, ट्रांजिटिव संक्रामकता हिंदी में। ठीक है, तो इन चीजों को समझना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है अगर हम इसको रियल लाइफ में लेके आएंगे तो। सर चलिए, तो आपका ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है आर में और बी कोमा सी बिलोंग कर रहा है आर में, तो इसका मतलब रिलेशन आपका ए कोमा सी भी बिलोंग करेगा आर के अंदर ही। फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू ए। अब देखिए सर, हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन भी हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद हम वीडियो को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाकी जो बचा हुआ है इसमें थोड़ा बहुत बचा हुआ है, एक वीडियो का और है बस, उसके बाद आपका रिलेशन खत्म हो जाएगा सर। तीन वीडियो के अंदर 30-30 मिनट की तीन वीडियो अगर आप देखते हो, उससे नोट्स बनाते हो सर, तो आपका कोई क्वेश्चन बचने वाला है नहीं। उसके अलावा हम क्वेश्चंस भी कराएंगे, तो आपको डरने की कोई जरूरत ही नहीं है सर। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, ये मतलब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, मुझे थोड़ी आदत पड़ी गई है उसको बोलने की बार। चलिए, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ गया होगा और हमने यहाँ तक के टाइप्स को अच्छे से कर लिया है। आप मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जब नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो तब तक आप इसको एक बार पढ़ के अच्छे से रिवाइज कर लोगे और अगले टाइप्स को आप अच्छे पूरे फोकस पूरे मन के साथ सीखोगे सर। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।